भगवान, आओ बताओ बताओ। अपने कैब में बैठे हुए हैं क्योंकि कभी पूरा कपड़ा हम लोग का गंदा हो गया, गीला हो गया है। और ये सीन, 1.5 किलोमीटर का ट्रैक था जहाँ बहुत ही डर लगा, लेकिन सरपास, थैंक गॉड कि हम लोग टाइम भी आ गए। अरे और हवा भी बहुत तेज चल रहा है, इनको बहुत जोर से लगी है, इनको बहुत जोर से पट लगी है। देखिए स्नो, बट एवरीवेयर इज स्नो। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। उसके बाद तेज तेज हवा, उसके बीच गड्ढे में गिरे, बहुत ठंड लग रही है। अब कल तो हम बहुत रो रहे थे, लेकिन प्लीज आओ। ठंडी हवा, ठंडी की तेज हवा चारों तरफ। हम लोग को उस पहाड़ी पे चढ़ना है, पार्टी करने का आनंद लेंगे। हमारी क्या होता है, हाथ धोएंगे नहीं। इंटरेस्टिंग, हिम ट्रैक कसूल का ये बेस कैंप है जहाँ पे पहाड़ है उसके बीच में। बाय, और जाना कोई जरूरत ही नहीं है हमारे। बाय, देखिए उस चोटी से हमें स्लाइड की, देखने में इजी लग रहा है बट ये है बहुत डिफिकल्ट। देखिए यहाँ पर जा रहा है, उनके पास एक्स्ट्रा कपड़ा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग नंगारू कैंप की तरफ निकलेंगे। तो पहले हम लोग उठ करके इस मॉर्निंग में टी लेने के बाद अब हम लोग पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर फ्रेश होने का क्या इंतजाम है। तो पहाड़ों पे फ्रेश कैसे होते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं होता है, यहाँ पर 10 टॉयलेट होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि पहाड़ों पे फ्रेश कैसे होते हैं, 10 टॉयलेट कैसा होता है। यहाँ पे पानी का पानी तो मिलता नहीं है, तो हम यहाँ पे टिश्यू पेपर यूज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीर कुमारी जी हैं, ये चल दी, वो हमारा पट्टी खाना है। बीवी जी को बहुत जोश लगी है, इनको बहुत जोर से पट लगी हुई है। देखिए टिश्यू पेपर यूज़ करना है, पानी पुनी है नहीं, फिर हाथ धोएंगी नहीं। सैनिटाइजर है मेरे जेब में, देखिए आ गया। अरे सैनिटाइजर, फिर इसके बाद ये सैनिटाइजर यूज़ करेंगी काम हो गया ना ना, मैं तो हाथ धोता हूँ भाई, बाकायदा साबुन से हाथ धोता हूँ। देखिए देखिए हमारा पोटी खाना है, टेंट लगा हुआ है और इतने पहाड़, देखिए कितने मस्त पहाड़ है, उसके बीच में पोटी करने का आनंद लेंगी हमारी मिसेस वीनू कुमारी, मिसेस वीनू कुमारी। देखिए अगर वो ऑगट भी बने हुए हैं तो यहाँ पे ऐसे ही होता है, टेंट पोटी होती है यहाँ पे, जैसे काम चलाना पड़ता है हमको। कोई अंतर क्या, कोई अंतर क्या, यहाँ पे खैर सीट भी होता है, तो यहाँ सीट लगा हुआ नहीं है, ओपन है। देखिए तैयार हो रही है पूरा एकदम, क्या पकड़ लोगे, कहीं कैप गिर गया अंदर तो ठीक है, रख लो। फ्रेश होने के बाद हम लोग चाय पी रहे हैं, चाय पी के फिर हम निकलेंगे। ये थर्ड डे है हमारे कैंपिंग का, यहाँ बहुत ही कोल्ड है और मेरा आवाज़ यहाँ आपको बहुत गीला नजर आ रहा होगा। सुबह सुबह चाय पी रहे हैं क्योंकि अब हम लोग यहाँ से नगारू कैंप ले जाएंगे। नगारू ना जो कि 13,000 फीट पे है, वहाँ ये बता, हमारे गाइड ये बता रहे हैं कि वहाँ पर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, और मेरा ये बात सुन के ही हालत ख़राब हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। अब आगे पता नहीं क्या होगा, अब ये पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये देखिए मैं सुबह सुबह चाय पी रहे हैं, ये पैकिंग हो चुका है, ये हमारा कैंप है, बहुत ठंड है। हम लोग उस लाइक जैकेट ही नहीं लेके आए, मेरे बैक में ऑलरेडी दर्द हो चुका है, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है, लग रहा है कि क्यों हम इस कैंप में आए।
इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं इस कैंप में जरूर आएं, इस कैंप में कभी ना आए। अब मुझे तो लग रहा है कि मैं कैसे बाहर जाऊं यहाँ से, क्योंकि मेरे दोनों तरफ गड्ढा है। अगर घर जाना है तो दो पहाड़ को क्रॉस करके फिर से जाना होगा, तब भी घर पहुंच सकते हैं, नहीं तो नगारो कैंप 13,000 फीट पे जाना पड़ेगा। यार ब्रीदिंग प्रॉब्लम है दोनों तरफ में, दोनों साइड मेरे तरफ काई है। ऐसे हम आगे ही बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। बाय बाय दोस्तों, मैं फिर आपको अपडेट दे दूंगी। मैं वीनू सिंह भदौरिया निक्की कुमार के साथ आपको लेट ये फिर मिलूंगी, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ पहाड़ क्रॉस कर जाओ, लेकिन आओ पहाड़ क्रॉस करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुआ। कल तक तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन ठंड की वजह से मेरा ये एक्साइटमेंट खत्म हो गया। बाय बाय दोस्तों। फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन नगारो कैंप। नाउ वी आर ऑन द वे ऑफ नेक्स्ट डेस्टिनेशन नगारा पास। We climb from the bottom. You can see it is very far away from here. You can see वहाँ पे बहुत सारे कैंप बना हुआ है। वहाँ से इतना ऊपर चढ़ाई करके हम लोग आए हैं। निक्की वहाँ पे खड़ा है, मैं यहाँ पे हूँ, हम लोग जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू मी। और ये सीन देखिए बहुत ही सुंदर है, और ये रूट है ऊपर जाने का, पूरा स्ट्रेट उस चोटी पे पहुंचना है। बाय बाय। ये पहाड़ पे हम कैसे क्लाइंब कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। पहाड़ चढ़ने में बहुत ही हालत ख़राब हो जाता है, और उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उसके साथ तो और ही दिक्कत है। देखिए निक्की सामान लेके चल रहा है, बहुत ही मुश्किल चढ़ना। एवरेस्ट फतह हो गई। रेस्ट कर लो यहाँ पे, बैठ जाओ। हम तो बैठ चुके हैं, हम बैठने आएंगे। पहाड़ों में हम लोगों को यही पानी पीना पड़ता है जो पहाड़ से निकलता है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और ये पानी भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे मिनरल्स रहता है, बिल्कुल ही क्लीन वाटर होता है। तो फिर हम लोग रास्ते में यही पहाड़ से निकलता हुआ पानी को पी के देखी, टेस्ट किए, अच्छा लगा। और कोई ऑप्शन भी नहीं था हमारे पास, बट कोई दिक्कत नहीं था, मज़ा ही आया ये पानी पी करके। पानी का टेस्ट बहुत ही मीठा है, बहुत ही अच्छा है। मिलिए हमारे गाइड अरुण से, जो हमारा वेट कर रहे हैं, जो हम लोगों को आगे की ओर ले चलेंगे। ये देखिए हम लोग नगारो की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी कैंटीन में चाय पीने के बाद हम लोग इतने डिस्टेंस तय कर चुके हैं, अभी हम लोगों को तो ऊपर जाना है। ये निक्की लोग आ गया। बाय बाय। पहाड़ पे हमें बहुत सारे जंगली जानवर मिले, जिसमें कि मैं कुछ लोगों जानवर की फ़ोटो ली हूँ, और उस जानवर में मैं भी हूँ, क्योंकि हमारे पास वीडियो काफ़ी कम था फ्रेंड्स, इसलिए मैं ये फ़ोटोग्राफ्स लगा रही हूँ। ये देखिए निक्की कितना एंजॉय कर रहा है, बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को। कुछ फ़ोटोग्राफ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, कि हमारे पास वीडियो नहीं है। लगभग नगारो पहुँचने वाले बहुत ही टॉप मोस्ट प्लेस पे। ये देखिए निक्की बैठा हुआ है, ये देखिए सीनरी। हम लोग इतना डिस्टेंस तय करके आ चुके हैं, ये कैंटीन है जहाँ हम लोग चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं। ये देखिए अभी हम लोग को और ऊपर जाना है, वो वहाँ ऊपर।
गई है। अगर ऑक्सीजन में कोई दिक्कत नहीं होगा तो ये ट्रिप बहुत सही है। हाँ देखिए, हम लोग यहाँ पे आके रेस्ट कर रहे हैं। मेरा पानी निकल रहा है। बहुत ही ऊंचाई पर आ गए। ये रास्ता था, ये देखिए ऊंचाई, वो नीचे देखिए, वहां से आप लोग पानी अभी हम लोग और वो देखिए, अरुण हमारे गाइड ऊपर वेट कर रहा है हमारा। बस फाइनली हम नागाड़ो कैंप पहुंच गए, जो कि 13,000 फीट इसका हाई एल्टीट्यूड है। अब कल हम लोग यहाँ पे यहाँ से निकलेंगे सरपास के लिए। क्या कि गंदा पानी भर लिया है क्यों? पूछ रहे कौन सा पानी है, ये बर्फ वाला पानी है? नहीं नहीं, जैसा पानी पियेंगे हम लोग। ये देखिए, हम लोग अपने नागाड़ो कैंप पे पहुंच चुके हैं। आप ये देखिए, यहाँ आके मुझे कोई अफसोस नहीं हो रही है। कल मैं रो रही थी, लेकिन जब मैं ये नज़ारा देख रही हूँ, जो मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी मैं कभी यहाँ आ पाऊँगी। बहुत ही सुंदर है। इतने नीचे से मैं ऊपर आई हूँ, तो नीचे में वो देखिए कोई कैंप दिखता होगा। वहाँ से आए बस हम लोग आज ये स्टे करेंगे अपने कैंप में। देखिए जा रहा है मैं, अभी तक कंडीशन ठीक है। अब देखिए कल हम लोगों को इसी बर्फ पे स्लाइड करना है। स्लाइड करते हुए चढ़ते हुए सरपास ट्रैक पे जाना है। यहाँ तक तो सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। हम आगे देखते हैं कैसा होता है। वो देखिए सबसे ऊंचा पे, वहाँ जाना हम लोग को। ओके दोस्तों, मैं अपडेट देती रहूँगी। मैं वीनू सिंह भदौरिया, बाय बाय। वो हमारा ट्रैक होने की। अब हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, नागाड़ू पास। वो देखिए निक्की पीछे, देखिए निक्की जा रहा होगा बहुत दूर में। ये देखिए हम लोग 13,000 फीट पे आ चुके हैं, जहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ये किसी और लोगों का टेंट है। बहुत ही खूबसूरत है ये जगह, कलर देखिए। यही नागाड़ो कैंप है, जहाँ पहुँच के हम लोगों को बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ का व्यू देखिए, चारों तरफ बर्फ़ वाली पहाड़ है। मेरे पास तो वीडियो का थोड़ा कमी हो गया, क्योंकि मैं उस टाइम प्लान नहीं की थी कि मुझे यूट्यूब पे अपलोड करना है। बट आप व्यू देखिए, इसी पहाड़ी इसी बर्फ़ पे हम लोगों का टेंट बना हुआ है। इसी बर्फ़ को पिघला के हम लोगों को पानी की तरह पीना है, और नहाना तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं। टॉयलेट तो मैं आपको पहले बता ही चुकी कैसे जाना, टिश्यू पेपर वगैरह यूज करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं नागाड़ो कैंप पहुँची, तो मुझे इतना मज़ा आया, इतनी खुशी हुई कि मैं इतने हाइट पर कैसे पहुँच गई हूँ। और मैं खुशी के मारे यहाँ पर डांस करने लगी। इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर से ज़रूर आए यहाँ पे। ये सो है, कहते हैं क्या था, सरपास ट्रैक है। ट्रैक ये ट्रैकिंग करते हुए हम लोग, ट्रैकिंग करते हुए कुल्लू से डाउन से स्टार्ट होते हैं, चढ़ना पहाड़, तीन चार पहाड़ चढ़ के फिर यहाँ पहुँचते हैं लोग। देख रहे सिंह जी, अभी हम लोग नागाड़ो पास पे आए। नागाड़ो कैंप है, हम लोग अपने नागाड़ो पास के कैंप में आ गए हैं।
कल तो हम बहुत रो रहे थे, अभी तो ठीक लग रहा है। शायद हो सकता है कि भी निकी देखो, निकी देखो, कुछ बोलो। बहुत मजा आया, थोड़ा बर्फ के बीच में बैठे हम लोग, मस्त सीनरीज व्यू देखेंगे आप अगल बगल का, बहुत बहुत मजा आ गया था। अब देखते कल क्या होता है। बाय बाय दोस्तों। टाइम पहुंच के हम लोग को पकौड़ी मिला गरम गर्मा गर्म, और हम लोग खा पी के थोड़ा रेस्ट किए। यहाँ फ्रेश होने के बाद बर्फ देखे मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और फिर मैं बर्फ में खाली पैर ही चले गए। अब आप देखना कि क्या होता है। आओ बसा, आओ बसा। आजा आजा आजा, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। ऐसी भी जहाँ चल के गई है उसी पे। बिल्कुल हो रहा है। कैसा फील कर रहे हैं आप, ये देखिए तो बताइए, मुझे घुमाइए। गड्ढे में गिरने कैसा लगा था आपको? पूरे एक दिन के बाद हम लोग को नगारो पहुंचने के बाद हम लोग का नेटवर्क आया, तो फिर हम लोग यहाँ पे अपने घर वालों को फ़ोन किए, सबको बताए। और फ्रेंड्स उसके बाद आप यहाँ का व्यू देखिए, ये व्यू देख के तो आप इस प्लेस को देखिए, बहुत ही सुंदर प्लेस है यार, बहुत ही सुंदर है। हम लोग कल जो है बस वो जब नीचे देख रहे हैं बस वहीं से वो आए हैं। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी, बहुत शांति है। कल हम लोग को इधर ही निकलना है। निक्की खड़ा है, पता नहीं क्या दिख रहा है, ये जो वाइट बर्फ दिख रहा है ना, कल हम लोग को इसी की तरफ आगे क्यों बढ़ना है। बहुत ही सुंदर ये जगह है, बहुत ही सुंदर है सीरियसली। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। ये देखिए निक्की क्या कर रहा है, निक्की टॉयलेट से आया है, इसके बाद ये बर्फ से अपना हाथ धो रहा है। गौर से देखिए, ये देखिए देखिए, हो गया हाथ धुला गया, पॉटी से आया है, देखिए धुला गया हाथ। देखिए ये देखिए हाथ धो रहा है। आपको मैं दिखाती हूँ कि हम लोग कल हम लोग कहाँ पे थे। कहाँ गया, वो देखिए जूम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये कैंप है, यहाँ पे कल हम लोग थे नगारो। यहाँ से इतना डिस्टेंस तय करके फिर हम लोग यहाँ आए। कल हम लोग को इसी पहाड़ पे जाना है, बर्फ पे क्रॉस करना है। निक्की निक्की देखो ना, कुछ बोलो ना, कैसे लग रहा है? अभी थोड़ा हेडेक हो रहा है, मैं भी शायद हाइट के कारण हो रहा होगा, बट लेकिन अच्छा लग रहा है ओवरऑल। पीछे अभी पीछे दिखाइए, अभी हमको ये बर्फ के राइट साइड में दिखेगा वो चट्टान, यहाँ से खाली जगह से हमें चढ़ना है ऊपर ऊपर, जहाँ तक चोटी जा रही है उसकी, ये चोटी सामने इधर ये चोटी जा रही है, यहाँ तक जाना है हमको, वहाँ से उस पार क्रॉस करके फिर नीचे स्थान पर उतरना है। उसके सामने कितनी ऊँची चोटियाँ हैं, बहुत से ढके हुए पहाड़, अब देखिए कैसे इतना चले जाएंगे वो, बट बहुत हिम्मत करके वो आ गई हैं। बेशक कल रात में रोने लगी थी बहुत ज़्यादा, वो तुम डर गए थे ना, डर गए थे, लेकिन आज जब अपने आप मोटिवेट हो गई और यहाँ तक पहुँच गई हैं। उधर कभी रिकॉर्डिंग कर दे मेरा।
आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से ढलान पे ऐसे ही प्रॉब्लम होती है, अभी आप देखा बिनू लगती जा रही थी। उस पे चल के दिखाई क्या नीचे? नहीं चलते ना, ऑन रखना, कुकू भी कर रही है, वहां चलते हैं। देखिए आपको दिखाएंगे आगे, जहाँ सामने दिख रहा है पहाड़, इससे डाउन स्लोप भी कुछ होगा। देखिए पहाड़ पर यहाँ बर्फ भी है, हमारे बगल में बर्फ है, फिर भी हमें इसे खेलने का मन नहीं कर रहा है। नहीं तो इसी बर्फ़ खेलने लोग आते हैं दूर दूर से, लेकिन अभी इसे खेलने का मन नहीं हमारा कर रहा है। हमें पानी भी इसी बर्फ़ का पीना होता है। ये जहाँ से देख रहे हैं यहाँ से उन्होंने आगे एक गड्ढा किया होता है, पाइप डाला होता है, वहीं से पानी बहते हुए उनके वो वहाँ नलके में आता है। आगे नलका देखें, वो टॉप पॉटी के बगल में नलका है, वहाँ पे आता है। देखिए हमारे क्यों वहाँ बैठ गए आगे छोटी के बगल में। देखिए नीचे चल के आया, बता दो इतना घाटियाँ देख रहे हैं, पैदा देख रहे हैं, यहाँ से चढ़ के हम लोग ऊपर तक आए हैं, तो नीचे से डीप, वहाँ से वो सामने आप गांव देख रहे हैं वही है, तो दिख नहीं रहे इधर जाएंगे। हाँ इधर ये गांव जब देख रहे हैं, ये ग्रहण गांव है, ग्रहण विलेज है, जो कसौल चलने के बाद हम लोग का बेस होता है, फिर वहाँ से दो स्टॉप होता है, यहाँ पे तीसरा, ये दूसरा स्टॉप है यहाँ से ग्रांड चलने के बाद। देख लीजिए कितना डाउन है, कितना आप लोग चलना पड़ा वहाँ से, हो गया अब बस रही हैं, थोड़ा रेस्ट कर रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। टेंट ऊँच दिखा दो पहाड़ी, अब बाइक कर दो। देखिए वो हमारा टेंट है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, पहाड़ियाँ देखिए, और ओके बाय, हम बाद मिलेंगे। फ्रेंड नेक्स्ट डे हम लोग सुबह में जल्दी ही निकल रहे हैं सरपास के लिए, ये वहाँ के कुछ ग्रुप्स थे, और देखिए सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल रहे हैं सरपास के लिए, क्योंकि वहाँ पे धूप हो जाने के बाद बर्फ़ पे चलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो देखिए हमने सरपास यहाँ पहुँच के मैं बहुत ही दुखी थी, क्योंकि मुझे यहाँ से स्लाइड करके नीचे जाना था, और मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि मैं कैसे स्लाइड करूँगी, बस इसीलिए मैं दुखी होकर बैठी हुई थी। फ्रेंड्स क्या ये वी आर ऑन द आवर डेस्टिनेशन पॉइंट सरपास, यू कैन सी एवरीवेयर हैज स्नो एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। नाउ वी आर गोइंग टू स्लाइड, दिस इज निक्की। निक्की हाउ आर यू फीलिंग? निक्की आई एम सो एक्साइटेड, व्हाट अबाउट यू डार्लिंग? लेकिन तुम यहाँ फोटो खींच सकता हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा है। I'm also here. It's very interesting. गाइडिंग से करना हमको? गाइडिंग यहाँ पे चलना बहुत ही मुश्किल होता है, उसके लिए अलग सा जूता आता है, और यहाँ पे अगर देखिए आप खुद देखिए, अगर थोड़ा भी स्लिप करेंगे तो सीधी नीचे खाई में। निकी प्लीज आओ। हमारे पास नॉर्मल शूज था, जिसकी वजह से हम लोग को चलने में बहुत ही प्रॉब्लम होता था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोगों का कोई प्लान नहीं था, अचानक से प्लान हुआ था। निकी हम लोग सरपास में है ना, कैसा लग रहा है? अभी हम लोग को उस पहाड़ी पे चढ़ना है, और हम लोग भी उस पहाड़ी से वापस आए हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रैकिंग शूज नहीं है, वो नॉर्मल सा जूता है, इसकी वजह से हम लोगों को चलने में बहुत दिक्कत हुआ था। और यहाँ पे वीडियो मैंने उल्टा इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे गाइड ने हमें इसलिए मना किया था वीडियो बनाने के लिए, उन्होंने बोला था कि अपने मोबाइल को आप बैग में रखो, क्योंकि अगर यहाँ पर मोबाइल खुलाता है तो बर्फ की वजह से मिलेगा नहीं। तो मैं अपने गाइड अरुण से सॉरी भी बोलूँगी इसके लिए कि मेरे
मेरा बहुत मन करता है वीडियो बनाने का, तो इसकी वजह से वीडियो काफ़ी कम है हमारे पास। फाइनली हम लोग को यहाँ से स्लाइड करना पड़ा, जो कि 1.5 किलोमीटर सबसे लंबा ट्रैक था स्लाइड करने के लिए सरपास में। और पहले तो बहुत ही डर लगा, बट काफ़ी मज़ा आया फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आया। सीरियसली ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं अपने लाइफ टाइम में इसे नहीं भूल सकती हूँ। देखिए उस चोटी से हम लोग स्लाइड किए हैं, हम लोग उस पहाड़ ऊपर से भी आए हैं और वहाँ से हमने स्लाइड किया। आप लोग देख सकते होंगे यहाँ से, देखने में इजी लग रहा है बट ये है बहुत डिफिकल्ट। तो हम लोग वहाँ से पहुँचते हैं, पहुँचे पूरी कपड़ी पूरा कपड़ा हम लोग का गंदा हो गया, गीला हो गया है। और ये सीनरी देखिए यहाँ का, वो देखिए निक्की जा रहा है, ये देखिए निक्की जा रहा है। हम लोग पास एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं है कि हमें कपड़ा चेंज कर पाए। और ये देखिए पहाड़ का फ्लावर, ऐसा देखिए पहाड़ी फ्लावर बहुत ही सुंदर है, ये सीन बहुत ही प्यारा है। आ रहे देखिए बहुत सुंदर सीन है। तो मेहनत के बाद हम इस जगह पहुँचे, बर्फ़ में फिसलने की वजह से हमारा पूरा कपड़ा गीला हो गया था, हाथ वगैरह काम नहीं कर रहा था। निक्की के सर में इतना दर्द था कि वो वहीं की कैंटीन में लेट गया। कुछ देर के बाद हम लोग फिर आगे बढ़े, अब हम लोग सरपास ट्रैक से आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। देखिए अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, ये सब पहाड़ी हम क्रॉस कर चुके हैं। बाय। सरपास से आगे बढ़ने के बाद हम लोग बिस्करी करके एक जगह है, विलेज है, वहाँ पे हम लोग रुके। वहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोग का शाम हो गया था, तो वहाँ पे फिर कैंप फायर हुआ, फिर हम लोग हाथ वगैरह अपने आप को गर्म किए वहाँ पे, फिर हम लोग को वहाँ पे चाय नाश्ता कुछ मिला, फिर धीरे हम लोग विजिट करने का शाम रात हो गया। फिर देखिए कैंप फायर फिर से हो रहा है, वो हमारा कैंप, देखिए कैंप बस्करी बिस्करी जगह का नाम है। कल हम लोग उधर ही निकलना है, जब आप लाइट देख रहे हैं ना उधर ही जाना है कल हम लोग को। थोड़ी बार जाते चलते हैं, फिर थोड़ा बार जाते हैं बिस्करी कैंप में। हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठे, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग फिर आगे किए और रेडी हो गए। ब्रेकफास्ट हम लोग को यहाँ पे छोला भटूरा साथ मिला हुआ था, आप पिक्चर में देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास वीडियो काफ़ी कम है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो पे कुछ कमेंट ज़रूर डालें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बिल्कुल ही करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। वाओ वाओ, इसी रास्ते भी ना आए, देखिए माय गॉड जन्नत, क्या स्विट्जरलैंड जाना, फॉरेन जाने का कोई जरूरत ही नहीं है, हमारे इंडिया में ही एक से बढ़कर एक रास्ते। ओके बाय बाय दोस्तों, मैं आपको दोबारा अपडेट करती रहूँगी, बाय बाय, सी यू लेटर, बाय बाय। आप खुद फील कीजिए कि पहाड़ों में कितनी शांति है, या इतना मज़ा आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। कुछ फोटोग्राफ जो हम लोग रास्तों में पहाड़ों में बैठ के हम लोग कुछ लंच वगैरह कर रहे थे उसी का है ये सब। ये देखिए अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, वापस नीचे एक कैंप होगा, वहाँ से हमको गाड़ी मिल जाएगी, इसी रास्ते से हम लोग को नीचे उतरना है। वो पीछे नीचे रोड देख रहे हैं, उस रोड तक जाना है हम लोग को इन जंगलों से होते हुए। हाँ जी ओके। अरे
इधर से यहाँ से हाँ ये चट्टान है ना, सपोर्ट लेके जाओ, बैठ के आओ, बैठ के आओ। माय गॉड, हे भगवान, बहुत घटिया रास्ता है ये। रिकॉर्डिंग कैसे चल रहे हैं? चालाक खुद गिरे तो कुछ नहीं हुआ। अब गिरने के बाद ज्यादा बहुत नहीं बताओ जान कभी तुम उतर रहे उसकी पहाड़ों पे जो खाना वगैरह जाता है, फिर कुछ भी जो डेली बेसिस का जो सामान वगैरह है वो सब ये लाद के ले जाते हैं। इसका भी एक लिमिट होता है, उससे खैर मुझे नहीं अच्छा लगा, बट कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे लेके एक लिमिट होता है कि आपको इतना केजी ही यहाँ पे लेके जाना है। यही पानी पीने के लिए भी होता है। देखिए हम थोड़ा ट्रेन की तरफ आ गए हैं, वो पहाड़ देख रहे हैं, उससे तीन गुना पहाड़ से उतर के आए हैं, उतरे हैं भी ठीक है। अब ट्रेन में हम लोग आ रहे हैं, देखिए अब आ गया ट्रेन पड़ गया। वो देखिए वो जो ऊंचा है वहाँ पे, वो सरपास हम लोग का है जहाँ से हम लोग साइड किया था। इधर से आते हुए इन पहाड़ से होते हुए लोग नीचे आए यहाँ से एंड डाउन हियर। फाइनल ट्रैकिंग ख़त्म होने के बाद यही हेम ट्रैक कसोल का ये बेस कैंप है जहाँ पे कि हम लोग स्टे किए थे। हम लोग यहाँ पे रुके, फिर हम लोग को ये लंच वगैरह मिला, फिर हम लोग इवनिंग में बस पकड़ के दिल्ली पहुँचे, फिर दिल्ली से फ्लाइट निकल के हम लोग रांची पहुँचे। वी आर गोइंग टू बैक टू कम्प्लीट आवर ट्रैक। इट वॉज वेरी ऑसम एंड वी इंजॉय अ लॉट। सीरियसली नेवर थिंक कि मैं सरपास ट्रैक कर पाऊँगी। वो हमारा नीचे कैंप था, वो देखिए निक्की, ये सीनरी देखिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।